नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। लव, सेक्स और फिर ब्लैकमेलिंग, कॉलेज में हुआ प्यार, फिर शादी का झांसा दे करता रहा दुष्कर्म, न्यूड वीडियो बनाया और वसूले 21 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पढ़ाई के दौरान कॉलेज में एक लड़के और लड़की में प्यार हो गया, फिर शादी का झांसा देकर युवक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान मोबाइल से युवती का न्यूड वीडियो भी बना लिया, बाद में वीडियो दिखाकर युवती को ब्लैकमेल कर 21 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद और रुपए के लिए दबाव बना रहा था। परिजनों ने जब जरूरत पड़ने पर युवती से रुपए मांगे तो मामला खुला। इसके बाद परिजन सरकंडा थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराए। दरअसल क्षेत्र में रहने वाली 22 साल की लड़की कॉलेज स्टूडेंट है। साल 2019 में उसकी साथ में पढ़ने वाले ओम प्रकाश दुबे से पहचान हुई। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी और फिर दोस्ती हो गई। आरोप है कि कुछ समय बाद ओम प्रकाश ने प्यार का इजहार किया तो युवती ने भी स्वीकार कर लिया। शादी का झांसा देकर एक दिन ओम प्रकाश ने युवती को सीपत रोड स्थित अपने दोस्त के मकान में बुलाया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लगातार दुष्कर्म करता रहा। युवती का आरोप है कि मई माह में आरोपी ओम प्रकाश ने उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाया। जब युवती पहुंची तो उसकी माँ घर में नहीं थी। इस दौरान आरोपी ने युवती से दुष्कर्म किया और मोबाइल से न्यूड वीडियो बना लिया। इसकी जानकारी युवती को नहीं थी। बाद में युवक ने वीडियो दिखाकर उससे 25 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे युवती डर गई और घर में रखे 21 लाख रुपए आरोपी को दे दिए। युवती के पिता ने पैतृक जमीन बेची थी, उससे 21 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने यह रुपए बेटी को रखने के लिए दिए थे। पिता को जब रुपयों की जरूरत हुई तो उन्होंने बेटी से वापस मांगे। इस पर वो टालमटोल करने लगी। संदेह होने पर पिता ने बेटी से पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। इसके बाद युवती अपने पिता के साथ सरकंडा थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी का पता नहीं है, पुलिस उसे तलाश रही है। रुपयों से खरीदी कार और महंगी बाइक। पुलिस की पूछताछ में युवती ने बताया कि उसके दिए रुपए से आरोपी ओम प्रकाश ने KTM बाइक के साथ ही नई कार खरीद ली। शेष रुपयों को इधर उधर घूमकर खर्च करता रहा। इसके बाद भी वो युवती पर और रुपए देने का दबाव बना रहा था।